तो आप सभी का स्वागत है इस नए गेम के अंदर जिसका नाम है स्ट्रे और ये है पार्ट नंबर 1। तो यार अभी हम बेसिकली ये गेम जो है काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड गेम था पीएस के अंदर, तो मुझे लगा नहीं था कि हमें पीएस प्लस में फ्री मिल जाएगा ये, तो इस वजह से 2 दिन डिले कर दिया मैंने। मुझे पता ही आज चला है तो मैं हाथ के रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जैसे ही पता चला मेरे को, मैंने यार तुम लोगों को 2 दिन पहले ही मैं अपलोड कर देता है गेम। अभी इसको आए हुए ये 2 दिन ही हुए हैं, शायद 19 को आया था, आज 21 चल रही है। तो यार ये देखो स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिकली ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा गेम है और यहाँ पे आपको बिल्ली दिखेगी अभी स्क्रीन पे, ये देखो। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है इस गेम के अंदर कि आप ये बिल्ली की तरह आप खेलोगे और आपको बेसिकली एक साइबर सिटी के अंदर, आपको साइबर सिटी से बाहर निकलना है, ऐसा कुछ है सीन। ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं देखा है इसके अंदर। गेम बढ़िया लगा तो हमने खेलना शुरू कर दिया, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी गड़बड़ के। के गेम हाथ के शुरू हो चुका है, अब हमें क्या करना है, थोड़े बहुत इंटरेक्टेबल आइकन्स देखने के लिए तो वहाँ चलते हैं। पहले पीछे देखते हैं, मूवमेंट सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सेटिंग्स एक बार चेक कर लेते हैं कि कंट्रोल्स वगैरह क्या है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी गेम है, लेकिन यार कई बार सिंपल ही बढ़िया होता है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी कहो यार ये गेम उसको बहुत पसंद आएगा जिसको बिल्लियाँ पसंद है, जबरदस्त गेम है उसके लिए तो ये, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं इस गेम को लेकर, तो यार मज़ेदार चीज़ है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारी जो ये प्रोटैगनिस्ट कैट है ये बिल्कुल वैसे ही करती है बिहेव जैसे एक एक्चुअल कैट हमारे हिसाब से करती है बिहेव, तो उस तरह से ये हम बेसिकली एक पजल टाइप का है शायद से गेम या कैसे भी गेम है ये। तो इसके अंदर हम हाथ के गेम तो कंटिन्यू कर ही सकते लेकिन हम कई सारे क्यूट एक्शंस भी कर सकते हैं जो एक कैट करती है। तो सिर्फ ये गेम आपके स्टोरी बेसिस पे नहीं, आप इसको एंजॉय भी कर सकते हो फील के साथ। तो ये उससे खेल रही है, क्या आपको इंट्रैक्टेबल नहीं दिख रहा है मेरे को, ये रहा। काफी यूनिक स्टार्टिंग लगी मेरे को इस गेम की, बहुत ज्यादा यूनिक थी लेकिन
अच्छी थी। ओके, शायद से पहला चैप्टर इनसाइड द वॉल। ओके, एक बार सब कुछ चेक कर लेते हैं, कुछ है तो नहीं। ओके, ये तो नीचे उतरने की है। पानी के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। ओके, तो हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। सीढ़ियाँ वगैरह पे नहीं चल सकते हैं। एक सेकेंड, ये कहता। ओके, जंप। वैसे कुछ खास अभी तक ये नहीं है, कोई कंट्रोल से इतने कुछ खास नहीं है, बस एक। ओके, अब आने शुरू हुए। क्या हुआ उससे? बेनिफिट क्या हुआ उसका? ये हमारे साथ चलेंगे अगर मैं म्याऊं करूं तो? जिन लोगों को कैट के साउंड पसंद है उनके लिए काफी सूदिंग होगी ये चीज। इससे म्याऊ होगा, इससे कुछ नहीं होता, इंट्रैक्शन होती है, बाकी उसे क्या होता है? इसमें हम दौड़ सकते हैं कि नहीं? एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। तो ये जो पेड़ खुरेद रही है यार, हमें स्पीड से करना पड़ेगा। क्यूट एक्शन है।
यहाँ पे कुछ चढ़ने का है। ओके, काफी अच्छी जंप है। तो नीचे का ये एक झरना है बेसिकली। नहीं, हम एक नाले के पास में शायद से। ओके, हम पानी पी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बस एक एक्शन है, इसका कोई बेनिफिट है नहीं इन गेम। कोई मीटर वगैरह नहीं है, थर्स्ट मीटर वगैरह। अभी तक तो लग नहीं रहा ऐसा कि कोई कलेक्टेबल्स वगैरह है यहाँ पे, वरना जनरली छुपे होते हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते अभी। साइबर सिटी की तरह लिटरली, बिल्कुल सही कह रहे थे। ओह, ये क्या है? ओह, दबाए रखो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो ब्लैक कैट वहीं से कूद गई थी। ओके, सो अभी तक हमें क्या क्या मिल चुका है? एक इससे म्याऊ कर सकते हैं, इससे इंटरेक्ट, एक्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक्स को होल्ड करके हम कई बार कूद सकते हैं एक साथ, और अभी ये होल्ड आर टू एल टू सॉरी एल टू है ये वाला। ओके, तो हम चेक कर सकते हैं एनवायरमेंट को।
बेचारी कैट अपने ग्रुप से अलग हो गई। इस सीन को देखे कितने लोगों के दिल टूटे होंगे। कैट अभी इंजर्ड है, उसके पैर में लगी है, कुछ आवाजें सुनाई दे रही है हमें, ऊपर से आ रही है। ये क्या हुआ? ओके, एक्स होल्ड करके हम तेजी से चल भी सकते हैं शायद से। एक बार उस साइड पे चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं ओह ट्रॉफी मिली है हमें, एक मिस्ड जंप डेड सिटी। तो हम शायद से अगले चैप्टर पे आ भी गए, छोटे चैप्टर्स है शायद से इसमें। गेम वैसे अराउंड 5 आवर्स की है, तो मैं शायद से हाफ आवर के 10 वीडियोस देखता हूँ कैसे होंगे। मतलब हमें ये कंप्लीट करने में अराउंड 15 मिनट्स लगे थे। ओके हम शायद से कुछ स्लम एरिया के अंदर है। कुछ आवाज आई यहां से। मुझे लगा था कोई रोबोट है यहाँ पे, रोबोट नहीं सॉरी इंसान है यहाँ पे। ओके इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली शैप लूप को इन्होंने या इसके अंदर गड़बड़ी है कुछ साइन बोर्ड के अंदर जानबूझ के किया है, लेकिन हेल्प दिख रहा है, नाम लिखा है वैसे शैप लूप, उसका मतलब क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या कोई
हमें संकेत दे रहा है। किसी ने लगता है हैक वगैरह कर रखा है सिस्टम और ये हमारी मदद कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि वो स्पेशली हेल्प, क्योंकि इसमें कहा था ना हेल्प चाहिए तो इधर आओ, फिर अब फॉलो मी। ये देखो कोई देख रहा है हमें, कैमरा, ये फॉलो मी, वो हेल्प इसी का कर रहा है। लेकिन क्या चीज़ है, या इंसान है, क्या है, कुछ नहीं पता। यहाँ से कैसे जाएंगे? शायद नीचे कुछ है। एक ये बकेट थी और क्या क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। बकेट्स हैं यहाँ पे, एक दो और तीन। इसको लेके ऊपर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। बढ़िया। तो देखा जाए हमारी एक सिंपल सी स्मॉल सी पजल थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस टाइप का कुछ और होगा कि नहीं। पेंट्स, बेनिफिट क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये ऐसी मजाक के लिए है या फिर कोई बेनिफिट है? काफी दिमाग वाली कैट है हमारी। ओके, ये हमें डायरेक्शंस मिल रहे हैं। और हम यहाँ पे भी खुरेज सकते हैं। पानी पी लेते हैं।
फाइनली मुझे एक अच्छी लोग दिखी और मेरे हिसाब से ये रोबोट्स हैं, कॉकरोच रोबोट्स, स्पाइडर रोबोट्स, पता नहीं, लेकिन ये रोबोट्स हैं। हम एक साइबर सिटी में और हमें एक रोबोट पड़ा हुआ मिल चुका ऑलरेडी, एक ह्यूमन साइज्ड रोबोट। तो ओ ये क्या हुआ, ओके भागो। ये इंटरेस्टिंग है। लगता है ये चैप्टर में हमसे भागते रहेंगे। हमें अपना पहला खतरा मिल चुका है साइबर सिटी के अंदर। करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है।
ओके म्याओ करने पे वो हमें दिखा रहा है रास्ता, और ये देखो कैमरा भी हिल रहा है। तो हमें ऊपर चढ़ना है, तो कैसे चढ़ेंगे? ओके कभी एक एरो आई थी जिसने कहा यहाँ पे आओ। ओके ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ओके हमें वहां तक जाना है। अब यहाँ नीचे जाना है। लोड कर रहा है। ओके तो ये बेसिकली प्लग था। फ्लैट अगले उस पर आ चुके हम। एक और चैप्टर कर रहे हैं वाला, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। बुजुर्ग का गेम बढ़िया जबरदस्त है। Thank you.
ये क्या है? ओके, तो बेसिकली शायद से एक सॉफ्टवेयर है जो इससे मदद मांग रहा है, और हमें एक लॉबी में जाके एक बॉडी ढूंढनी है उसके लिए। क्या हुआ इससे? कुछ हुआ क्या? को यहाँ पे भी कुछ है? ओके, हमें शायद से स्विचेस में लगाने हर एक। वहां पे एक है, उसके लिए हमें चाहिए यह। तो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर की मदद कर रहे हैं। वो रहा ऊपर, ऊपर तक कैसे जाए अब? पहुंच गए। फन पजल है, सिंपल है। ओके, एक सीक्रेट रास्ता, रास्ता नहीं है, एक सीक्रेट रूम। और ये बंदा है, ये रोबोट है, तो इसने हमारी मदद की। हमसे मदद चाहिए बेसिकली इसको, तो इसके लिए एक बॉडी चाहिए। ओके, ये रही बॉडी, ड्रोन कंपेनियन। ये कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है। हो गया। ओके, सो डेड सिटी का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जीव नहीं रहता। जो हमने पहले भी देखे थे जीव इसमें, वो बेसिकली एक क्या कहते हैं, स्पाइडर रोबोट्स थे।
तो ये बेसिकली इसे अपना नाम भूल चुकी है, इसका डेटा कर अपडेट है, और यार ये फंसी हुई थी। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट रहता था, उसकी काम मदद कर दी थी। B12 फाइनली हमें एक दोस्त मिल चुका है, B12। कहाँ जाना है? कहाँ गई B12? जी कहाँ गए? ये रहे। ओ हम साइबर कैट बन चुके हैं। तो बेसिकली ये एक कंटेनर है जिसके अंदर B12 रहती है, और ये हमारी मदद करेगी टाइम टू टाइम। ये भारी है क्या? कुछ ज्यादा ही। ओके ओ अब हमारे पास इन्वेंट्री आ चुकी है, और हमारे पास मेमोरीज भी आ चुकी है। देखो जनरली ऐसे केसेस में जहाँ स्टार्टिंग होती है वही एंडिंग होती है। मतलब एक सेकंड, निकालते कैसे हैं यहाँ से? ओके सो मेमोरीज में चलते हैं। तो हमारी जो अलग अलग मेमोरीज है वो है ये। टोटल 27 मेमोरीज हैं, तो हमें बेसिकली एक पेंटिंग जैसा कुछ देखना होगा। ओके तो शायद से यही पहले रोबोट थी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और इसने खुद को वो कर लिया था, इसमें अपलोड कर लिया था इस नेटवर्क लिंक के अंदर, फिर यहाँ फंस गई थी ये। कुछ हुआ था इस डेड सिटी में, तो हमें ये पता लगाने कि डेड सिटी में हुआ क्या था। शायद चलते चलते आपको एक पेंटिंग दिखे वॉल पे। एक सेकंड, पेड़ वाली पेंटिंग। ओ ये तो नहीं, नहीं ये दूसरी है।
खैर जो भी हो, अब हम आगे की जो वीडियो है, सॉरी आगे की जो गेम है, वो अगली वीडियो में खेलेंगे, क्योंकि यार अब ऑलरेडी 46 मिनट्स हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अगला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मैं कई सारे गेम्स भी अपलोड कर रहा हूँ इसके साथ साथ, उनको भी ज़रूर चेकआउट करो। और यार कमेंट्स में डालो यार तुम्हें गेम पसंद आए कि नहीं। मुझे तो काफ़ी डिसेंट लगा गेम, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी सिंपल है लेकिन इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरा रिव्यू तो यही है कि अच्छा गेम है, हम खेल सकते हैं, आगे फॉलो कर सकते हैं इसको। तो यार तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।